गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूनिट जो अपनी फर्स्ट यूनिट है उसमें हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर मॉडल्स। न्यूक्लियर मॉडल्स हमें मेन थ्री मॉडल्स पढ़ने हैं, द शेल मॉडल, द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द कलेक्टिव मॉडल। शेल मॉडल को हम सबसे पहले देख रहे हैं और इसको सबसे पहले प्रपोज किया था दिमित्री इवानेंको ने together with E. Gapon in 1932, and then further it was developed independently by several physicists such as Maria Geopert Mayer, Eugene Paul Wigner, and J. Hans D. Jensen in 1949. And this model is based on the Pauli's exclusion principle to describe the structure of the nucleus in terms of energy levels. Mayer aur in sabko iske liye Nobel Prize bhi mila tha is model ke liye. आप सबसे पहले हम देखें कि कोई भी जब हम मॉडल बनाते हैं तो हम अपनी तरफ से कुछ एजम्पशंस रखते हैं और उन एजम्पशंस के बेसिस पे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला एजम्पशन हमने रखा कि न्यूक्लियॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स सेटिस्फाइंग सर्टेन क्वांटम मैकेनिकल कंडीशंस। न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वो सेटिस्फाई करते हैं क्वांटम मैकेनिकल कंडीशंस। तो बच्चों, ये जैसे हमने अपना उसमें पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन के केस में पढ़ते हैं कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम, चार क्वांटम नंबर्स हम पढ़ते हैं उसमें, और उस हिसाब से हम जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो डिफरेंट शेल्स में करते हैं। उसी तरह से न्यूक्लियॉन्स के अंदर भी जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो सीरीज ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और क्वांटम मैकेनिकल कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करते हैं। एज द कैपेसिटी ऑफ ईच लेवल इज रीच्ड, अ क्लोज शेल इज फॉर्म्ड, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बीइंग इन सेपरेट शेल्स। एज द कैपेसिटी ऑफ ईच लेवल इज रीच्ड, जैसे कि हमने वहाँ हम इलेक्ट्रॉन के केस में पढ़ते हैं, जब एस जो है लेवल भर जाता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन पी में जाता है, पी हो जाता है तो डी में जाता है और फिर एफ में जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हर एक लेवल में जब कैपेसिटी फिल हो जाती है तो शेल जो है क्लोज हो जाता है और फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है डिफरेंट शेल्स में जाते हैं। अब अगर हम एक न्यूक्लियॉन की बात करें तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो जितने और न्यूक्लियॉन्स हैं जो कि अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं और अपने एक्सिस पर घूम रहे हैं, उन सब की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा जो कि एवरेज इंट्रैक्शन बिटवीन रिमेनिंग ए माइनस वन न्यूक्लियॉन्स की वजह से होगा। तो बच्चों, इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अपने एक्सिस पर भी, मतलब अपने एक्सिस पर भी रोटेट हो रहे हैं और ऑर्बिट भी हो रहे हैं, जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स का देखते हैं उसी प्रकार से न्यूक्लियॉन्स का भी है। और हर एक न्यूक्लियॉन के साथ जुड़ी हुई स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। अब बच्चों, शेल मॉडल जो है उसके अंदर जो बेसिक चीज़ इन्होंने रखी वो थी कि शेल मॉडल जो है वो कुछ हद तक जो मैजिक नंबर्स हैं, हमने पहले पढ़े हैं मैजिक नंबर्स जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को दिखाते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में न्यूक्लियॉन्स की फिलिंग होती है इसमें जो है वो मैजिक नंबर्स को अटेन करते हैं और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। अब सबसे पहले हम पीरियोडिसिटी इन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ देखें कि जो भी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें एक जैसी क्या समानताएं हैं। पीरियोडिसिटी, जैसे हम पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमने सब एलिमेंट्स को किस बेसिस पे रखा है, ग्रुप्स में और पीरियड्स में, उनकी प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे। अब सबसे पहले मैजिक नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स में पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि जो हमारी इनर्ट गैसेस हैं वहाँ पर हमारा शेल जो है वो कंप्लीट होते रहते हैं और उनकी सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। हर एक कंपाउंड या एलिमेंट जो है वो उसकी कंपोजिशन को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मतलब उतना करना चाहता है ताकि स्टेबल हो जाए। इसी तरह से मैजिक नंबर भी क्या हैं। अ मैजिक नंबर इज़ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस
विच कोरस्पॉन्ड्स टू कंप्लीट शेल्स विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियस. एटॉमिक न्यूक्लियाई कंसिस्टिंग ऑफ सच अ मैजिक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैव अ हायर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. न्यूक्लियाई विद क्लोज शेल्स आर मोर टाइटली बाउंड देन द नेक्स्ट हायर नंबर. द क्लोजिंग ऑफ शेल्स अकर्स एट प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126. तो जिस तरह से वहाँ पर हम 2, 8 फिर बाद में आपका हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल होती है उसी प्रकार से यहाँ पे 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 ये जो है शेल्स जब क्लोज हो जाती हैं, जब भर जाती हैं कम्प्लीटली, वो नंबर्स हैं. और ये माना गया कि जिनके पास ये मैजिक नंबर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं और उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो ज़्यादा है. अब बच्चों दूसरी बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि जिन न्यूक्लियाई के अंदर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन दोज विद ऑड नंबर्स. अब आगे हम डबल मैजिक नंबर्स देखेंगे. जिन न्यूक्लियाई के अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या है और प्रोटॉन की संख्या है दोनों में ही अगर मैजिक नंबर्स हैं, यानी कि दोनों ही जो ऊपर आपका 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 नंबर्स जो हैं अगर इतने ही उनमें हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन भी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी, तो वो डबल मैजिक होते हैं और वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. अब स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई विच हैव अ मैजिक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. हमने पाया कि जिन न्यूक्लियाई के अंदर मैजिक नंबर हैं उनमें क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो अब हम उन स्पेशल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो जिनमें मैजिक नंबर न्यूक्लियाई हैं उनमें ज़्यादा होती है देन द नेबरिंग न्यूक्लियाई. इसलिए जब वो ज़्यादा स्टेबल हैं तो उनको अलग करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. दूसरा हमने देखा कि जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जितने भी नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई है जिसका प्रोटॉन नंबर जेड और न्यूट्रॉन नंबर एन है और जिनमें मैजिक नंबर्स हैं, तो उनके जो आइसोटोप्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए गए. जैसे उदाहरण के तौर पर टिन में, जिसमें कि प्रोटॉन नंबर 50 है उसके 10 स्टेबल आइसोटोप्स थे. कैल्शियम जिसमें Z20 है उसमें 6 स्टेबल आइसोटोप्स पाए गए. अब बच्चों आगे हम देखेंगे कि जिन न्यूक्लियाई की मैजिक नंबर्स हैं वो हायर अबंडेंस इन नेचर उनका पाया जाता है. उनकी मात्रा जो है नेचर में अबंडेंस जो है वो ज़्यादा पाई जाती है. और उदाहरण के तौर पर हम देखें कि अगर हम स्ट्रॉन्शियम 88 ले रहे हैं जिसमें कि न्यूट्रॉन की संख्या 50 है, बेरियम 138 ले रहे हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 82 है और सीरियम 140 ले रहे हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 82 है, तो उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 82, 71 एंड 88% है. तो इनकी अबंडेंस जो है नेचर में वो ज़्यादा पाई जाती है. अब हमने डिके सीरीज भी हम देखेंगे. तो डिके सीरीज में जहाँ पर अंत होता है उस डिके सीरीज का, उसमें भी वो मैजिक नंबर के ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ ही अंत होता है उसका, जिसमें कि न्यूक्लियाई या तो हीलियम 4 या ऑक्सीजन 16 या लेड 208. लेड 208 अगर हम देखें तो उसमें 82 प्रोटॉन्स हैं और 126 न्यूट्रॉन्स हैं. तो ये दोनों बच्चों मैजिक नंबर्स हैं इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है. और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दीज न्यूक्लियाई इज रेमिनिसेंट ऑफ दैट ऑफ इनर्ट गैस एटम्स. ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी और है जो मैजिक नंबर से रिलेटेड है, जिसकी वजह से वो हमको मिलती है. तो अगर हम न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ें, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ें, तो बच्चों पहले तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है क्या. तो हम मानते हैं कि अगर इंट्रैक्शन हो रहा है बिटवीन इंसिडेंट न्यूट्रॉन एंड अ टारगेट न्यूक्लियस, तो उसमें जो आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन होता है.
और इसकी यूनिट जो है वो बार्न होती है, जो कि इक्वल टू 10^-28 मीटर स्क्वायर और 10^-24 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो बच्चों इन न्यूक्लियाई जिनके पास मैजिक नंबर है, इनका लोअर न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होता है, यानी कि इनमें इंट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता अगर हम किससे कंपेयर करें, सराउंडिंग आइसोटोप से। जैसे कि हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, इस ग्राफ में हमने देखा है कि नीचे न्यूट्रॉन नंबर है और वाई एक्सिस पे आपका ये एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है। तो जो हमारा न्यूट्रॉन नंबर 28, 50, 82, 126 हम देख रहे हैं, इसमें जो क्रॉस सेक्शन है आपका एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन वो कम है किसके तुलना में, जो और उनके जो हायर आइसोटोप्स हैं, सराउंडिंग आइसोटोप्स हैं उनसे ज़्यादा, यानी कि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इनमें इंट्रैक्शन कम होता है। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, न्यूक्लियाई विद वैल्यूज ऑफ एन जस्ट वन मोर देन द मैजिक नंबर स्पॉन्टेनियसली एमिट अ न्यूट्रॉन व्हेन एक्साइटेड बाय प्रीसीडिंग बीटा डीके। यानी कि हमारा जो मैजिक नंबर से, अगर न्यूक्लियाई ऐसा है जिसमें मैजिक नंबर से एक ज़्यादा न्यूट्रॉन है, तो उसमें जो है वो स्पॉन्टेनियसली एक न्यूट्रॉन को निकाल देता है, जैसे कि ऑक्सीजन 17 आपका K87 एंड ज़ीनॉन 137। इसी तरह से एनर्जी ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एमिटेड बाय मैजिक नंबर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज लार्जर देन दैट फ्रॉम अदर न्यूक्लियाई। मैजिक नंबर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है और उनमें से अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, तो उनकी एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। These nuclei appear to be perfectly spherical in shape. They have zero quadrupole electric moments. इनकी जो quadrupole electric moment है वो zero होती है। तो बच्चों इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जब हम अगर nucleus के अंदर कोई proton ले लें और उसका हम charge देखें, और जितने और nuclei हैं उनके जो charges हैं उनके आपस के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से आपका मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल, ऑक्टुपोल और इस तरह से इलेक्ट्रिक मोमेंट्स जो है जनरेट होते हैं। तो अगर 2^r आपका 0 होता है तो वो मोनोपोल है, 2^1 है अगर तो आपका डाइपोल होता है, 2^2 है तो क्वाड्रुपोल होगा। तो इस प्रकार क्वाड्रुपोल इलेक्ट्रिक मोमेंट अगर ज़ीरो होता है तो शेप उसकी कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। इसके बारे में मैं आपको, मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट, न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड और प्रोटॉन्स हैव देयर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स एट हायर एनर्जीज देन इन केसेस ऑफ द नेबरिंग न्यूक्लियाई। अगर हमने इवन ए आइसोटोप्स ऑफ लेड देखे, ए क्या है, मास नंबर है ना, और हमने कौन से वाले, मतलब वो आइसोटोप्स लिए हैं जिसमें कि मास नंबर इवन है लेड के, तो उसमें अगर हम देखें तो जिसमें मैजिक नंबर है 208 उसमें जो है 126 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसकी जो एनर्जी है एक्साइटेड स्टेट में वो हायर है एज़ कम्पेयर टू अदर आइसोटोप्स। अब नेक्स्ट, द एनर्जी नीडेड टू एक्सट्रैक्ट अ न्यूट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज वेरी मच हायर इफ़ इट हैपन्स टू बी अ मैजिक नंबर। एग्जाम्पल, एनर्जी नीडेड टू रिमूव द 126 न्यूट्रॉन फ्रॉम लेड 126 इज 7.38 MeV, वाइल द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द 127 न्यूट्रॉन फ्रॉम लेड 127 इज ओनली 3.87 MeV। तो अगर हमारी स्टेबल न्यूक्लियाई है जिसमें कि मैजिक नंबर आपका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है, तो उसमें से अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है मतलब निकालना है, तो ये देखा गया कि जहाँ मैजिक नंबर है वहाँ से न्यूट्रॉन निकालने में आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी, जैसे लेड 126 में 7.38 MeV है, और उसके बाद जो है उसका जब मैजिक नंबर डिस्टर्ब हुआ तो उसमें हमको कम एनर्जी देनी पड़ी। अब बच्चों हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द शेल मॉडल। तो मेरिट्स ऑफ द शेल मॉडल में हमको पीरियोडिसिटी ऑफ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज,
द न्यूमरस डिसकंटिन्यूटीज इन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज एट मैजिक नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फाइंड एन एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेल क्लोजर्स अकरिंग एट मैजिक नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स. इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो डिसकंटिन्यूटीज़ पाई गई न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में एट मैजिक नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फाइंड एन एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेल क्लोजर्स अकरिंग एट मैजिक नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स. तो मतलब जो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसका जो शेल में हम न्यूक्लियॉन्स को ऐड कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है वो हमने समझाई हैं सारी. अब आगे है प्रिडिक्शन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन पैरिटी एंड मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियस. शेल मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द ग्राउंड स्टेट स्पिन्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियाई. शेल मॉडल जो हमारा ग्राउंड स्टेट स्पिन्स हैं और जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं न्यूक्लियाई के वो अच्छे से समझाते हैं. जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं यहाँ भी हमारे पास वही रूल्स फॉलो होते हैं. हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है. जिस प्रकार से हम उसमें SPDF ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमको होते हैं उसी इसमें भी जो है उस प्रकार से हमारा सारा फिलिंग होता है. तो ये मॉडल जो है वो सारे ग्राउंड स्टेट स्पिन को और मैग्नेटिक मोमेंट्स को समझा पाया. और उन्होंने देखा कि जो इवन इवन न्यूक्लियाइड्स हैं उसमें स्पिन जो है ज़ीरो होती है और इवन पैरिटी होती है. और सेकंड, जहाँ ऑड ए न्यूक्लियाई है उसमें वन अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन होता है, इसलिए जिसकी वजह से स्पिन जो है वो इक्वल टू जे वैल्यू हो जाती है ऑफ दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मैग्नेटिक मोमेंट. शेल मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियाई. इसी प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंट को भी शेल मॉडल ने समझाया कि जहाँ इवन इवन न्यूक्लियाई हैं वहाँ पे स्पिन भी ज़ीरो था, मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़ीरो है. और जहाँ पे इवन ऑड या ऑड इवन मैग्नेटिक मोमेंट वो हो रहा है, इट वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वहाँ अनपेयर जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन है, चाहे वो प्रोटॉन है चाहे न्यूट्रॉन है, अनपेयर न्यूक्लियॉन के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा. स्टेबिलिटी. वेरी हाई स्टेबिलिटी एंड हाई बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज शेल्स. एंड लास्ट, न्यूक्लियर आइसोमरिज्म. एक्जिस्टेंस ऑफ आइसोबारिक आइसोटोपिक न्यूक्लियाई इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट इज ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ शेल मॉडल. थैंक यू. तो इसमें बच्चों ये जो पूरा फिलिंग का है कि न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट शेल में कैसे फिल करते हैं, उनके डिफरेंट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, उन सब के लिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं. वो मैं आपको आपके ग्रुप पर शेयर कर दूंगी. थैंक्स.